हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे रहे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लीब्रा साइन, यानी कि तुला राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डू कमेंट, और साथ में जो बेल आइकन बना है उससे ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड ऑल अदर रीडिंग्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी, पहले आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर करियर। लिब्रा, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं, स्टक हैं, बट मे बी हो सकता है यू आर रियलाइजिंग द सिचुएशन। आप सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है दे वांट क्लैरिटी। आप, हो सकता है आप रिफ्यूज़ कर रहे थे या वो रिफ्यूज़ करे, कोई रिफ्यूज़ कर रहा है यहाँ पे, बट वो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है ना, लाइक इन एंड आउट, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। सो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर फीलिंग बर्डनड, यू आर फीलिंग स्टक। आपके जो पर्सन हैं वो क्लैरिटी चाहते हैं और कम्युनिकेशन चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चीज़ें बदलना चाहते हैं, और चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है इन द फ्यूचर। विद द एस ऑफ कप्स, द चैरियट, मे बी हो सकता है समबडी वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू एंड टॉक टू यू, राइट? मे बी आपके पर्सन है, मे बी हो सकता है देर इज़ अ न्यू ऑफर फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। कुछ लाइक नॉट फॉर ऑल, कुछ के लिए हो सकता है दिस इज अ न्यू ऑफर, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड, राइट? मे बी विद द एस ऑफ कप्स अ न्यू ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, योर वे। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू विद अ चैरियट कार्ड। कोई कोई डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, एंड मे बी हो सकता है कि आप अपने आप को भी गार्ड कर रहे हैं, सो प्लीज स्टॉप गार्डिंग योर सेल्फ, राइट? और लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन है, ये वही पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, हो सकता है क्लैरिटी चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों की कोई कम्युनिकेशन हो, आप लोगों में कोई बात हो और आप लोग चीज़ें बदल जाएं। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल? ओके, सो यू नीड टू कीप न्यू विजन। आपको यहाँ न्यू विजन रखने की ज़रूरत है। देखिए, फ्यू ऑफ यू, जैसा कि मैंने कहा, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, राइट? सो मे बी हो सकता है कि आपके एंजल्स आपके साथ आपकी मदद कर रहे हैं। समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यस, कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, मे बी अ न्यू ऑफर, आपको नया विजन। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, हो सकता है दो चीज़ें हों, हो सकता है कोई पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हो लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हो। मैंने उस दिन भी एक रीडिंग बनाई थी फॉर द कलेक्टिव। हो सकता है आपने डोर्स क्लोज किए हुए हैं, समबडी वॉन्ट्स to come towards you, maybe this is the right person, or maybe हो सकता है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे, so you need to trust the divine, you need, देखिए angels हैं और आपके लिए वो काम कर रहे हैं, so you need to trust, you need to believe it, right? So चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की। For all the Libra people, career wise आपके लिए क्या, कैसा रहेगा ये वीक? For all the Libra people, career wise आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? थोड़े से ब्रोकन हार्टेड लग रहे हैं मुझे, मे बी हो सकता है कुछ चीज़ आपको बॉदर कर रही है, बट डोंट वरी, यू विल बी इन लाइक गुड प्लेस इन द कमिंग टाइम। मे बी हो सकता है किसी, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, किसी अच्छी पोजीशन के लिए, तो वो ज़रूर आगे चल के आपके लिए लाइक इट विल पे ऑफ। और हो सकता है कि समथिंग इज़ लाइक रशिंग, आप किसी चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बिल्ड करना चाहते हैं। हो सकता है किसी चीज़ की वजह से थोड़े से मायूस हैं, और मे बी फाइनेंसिस की वजह से, मे बी जॉब इशूज़ हैं, बट डेफिनेटली आप आगे चल के बिल्ड करेंगे। येस, आपको न्याय चाहिए, आप लाइक आप कुछ क्लैरिटी चाहते हैं इन द सिचुएशन, आप चाहते हैं कि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, जस्टिस,
फेयर डिसीजन, येस मनी इज़ एन इशू, हो सकता है आपको वो चीज़ बॉदर कर रही है, मे बी हो सकता है आपको लग रहा है मैंने बहुत एफर्ट किया है बट एफर्ट्स आर नॉट पेइंग ऑफ. सो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एफर्ट कभी भी खाली नहीं जाता, अगर आपने किसी चीज़ से मेहनत की है तो वो आगे चल के फ्रूट्स देगी. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ट्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो जो पोजिशन आप हासिल करना चाहते हैं आगे चल के वो आप अचीव कर सकते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? हो सकता है कुछ एक्सपांड करें, हो सकता है आपको एक्सपांड करने की ज़रूरत है, बिलीव करने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप ओवरसीज कुछ काम कर रहे हो, राइट? या किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हो. तो कीप अप द गुड वर्क. लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा पीपल. क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर योर करियर एंड फाइनेंस? ओके, स्टॉप ओवर थिंकिंग. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, हील कीजिए अपने आप को, यू नीड हीलिंग. आप कुछ पोस्टपोन कर रहे हैं, आप यू आर नॉट सीइंग थिंग्स, आपको हीलिंग की ज़रूरत है. हील योर हार्ट, हील योर हार्ट चक्रा, ओपन अप योर हार्ट चक्रा, राइट? अपने आप पे बिलीव कीजिए. देन वी हैव, ये देखिए माइंड को आपने कितना ज़्यादा आपने लाइक जगलिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग, एग्जॉस्टेड है. It's time to take a break. It's time to relax. It's time to heal yourself. So that जो आगे चल के जो possibility हैं उनके लिए आप एक way create कर सकें. तो वो way create करने का time है अब, right? So that's all we have for all you people. अगर आपको reading पसंद आए तो इसे like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, और मिलती हूँ next time with another reading. Till then, take care. Bye. अपना ख्याल रखिए.